सम्पयामि सम्मं चत्तोरि मानसम्पत्ति। प्रवचन सारथी मंत्र कथा नंबर 93 गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार पेज नंबर 173। दो पंक्तियों की चर्चा अब तक अपनी हो चुकी है। अथो खलु दवमो, अथो खलु दवमो, एक ही पंक्ति की चर्चा हो। पदार्थ वास्तव में द्रव्यमय है। पदार्थ कैसे हैं? द्रव्यमय, द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय। अब दूसरी पंक्ति क्या है? दववाणी गुण पगाणी, द्रव्य कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। तेम गुणों पज्जाया, और द्रव्य और गुणों की क्या होती है? पर्याय होती है। और पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ क्या कहलाता है? पर समय। ये चार पंक्तियाँ हैं जिसकी अपनी पूरी विस्तार से चर्चा चल रही है। क्या पंक्ति है? पदार्थ वास्तव में क्या है? द्रव्यमय। द्रव्य के क्या, द्रव्य क्या है? गुणात्मक है। और गुणों की क्या होती, द्रव्य और गुणों की क्या होती है? पर्याय। पर्याय मूल, पर्याय मूल पर समय होती है। ये चार बातें यदि आपको याद रहेगी तो ये गाथा की टीका समझ में आएगी, और नहीं तो इसमें से एक पंक्ति हो गई, पदार्थ वास्तव में द्रव्यात्मक है। अब दूसरी पंक्ति चलेगी, क्या है दूसरी पंक्ति? पदार्थ द्रव्यमय है और द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य गुणात्मक है यानी द्रव्य गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। द्रव्य गुण स्वरूप है, गुण से अपृथक है, गुणमय है, गुणात्मक है, ये बताएंगे। और जैसे पट में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आया सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ गुणों से अपृथक प्राप्त होने से गुणात्मक ही है, उसी प्रकार पदार्थों में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ता हुआ आयात सामान्य समुदाय जिसका नाम द्रव्य है वह गुणों से रचित होता हुआ गुणों से अपृथक, गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुणात्मक की ये बात समझाना है तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। समझाना क्या है? द्रव्य गुणात्मक ही है। द्रव्य कैसा है? गुणात्मक है। तो पट का उदाहरण दे, पट क्या है? पट में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कपड़ा चौड़ाई वाले तंतु और लंबाई वाले तंतु के अलावा और कुछ नहीं है। क्या उससे अलग कभी कपड़ा मिला है? बिना धागों का कपड़ा आता है क्या? बिना धागों का कपड़ा आता है? उसे अपन ने क्या पहन रखे? कपड़े, कपड़े पहन रखे, धागे पहन रखे, धागे हैं ऐसे। तो धागे दो प्रकार के, दो प्रकार के धागों से कपड़ा बनता है, जैसे लंबे और छोटे। लंबाई अवस्थाई चौड़ाई, अवस्थाई मतलब चौड़ा पार, यूं धागों को सम सीधा लिया, पाना, पना कपड़े का पना वो चौड़ाई है, कपड़े का थान की लंबाई लंबाई है। तो थान दौड़ता हुआ है और चौड़ाई अवस्थाई है, आगे से वो पीछे तक। चौड़ाई कैसी है? अवस्थाई है, एक समान। गजब उदाहरण तो देखो आप, ऐसे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि पहले भी ऐसे थान से ही कपड़ा मिलता था, माने थान वाले कपड़े की पद्धति नहीं नहीं पहले भी ऐसे कोई चौड़ा थान पना पहले भी फिक्स हो गया और लंबाई बदल रही है, लंबाई नाप के उसको काट देते हैं क्या बनता है जब, तो वो तो ही नहीं, तो धागे पे धागे बैठे। दो तरह की होती है, एक लंबा धागा करता है एक चौड़ा, वो ऐसे करते जाते हैं वो कपड़ा बन जाता है उससे, और धागा जो है वो मतलब धागे हिलते हैं बस, और क्या है, रुई से धागा, रुई को पेट के धागा बन जाता है। नेचुरल प्रोसेस है सब।
है ना, तो ये द्रव्य के ऊपर लगाया है। द्रव्य में क्या है, विस्तार सामान्य समुदाय, ये गुण है, और आयत सामान्य समुदाय, ये पर्याय है। इन दोनों को ही यहाँ कहा है वैसे, इन दोनों को गुण कह रहे हैं, माने द्रव्य गुण और पर्याय से रचित होने से गुणात्मक और पर्यायात्मक ही है। जैसे कपड़ा लंबाई और चौड़ाई से रचित होने से लंबाई और चौड़ाई वाला ही है। जैसे पट में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय, अवस्थाई है ना, और दौड़ता हुआ आयत सामान्य समुदाय, गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। उसी प्रकार आया नहीं ख्याल में, नहीं आया क्या आया, क्या आया बताओ है, देखो वापिस पढ़ते हैं। पट में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय, गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। द्रव्य कैसा है, कपड़ा कैसा है, अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय, अवस्थाई माने चौड़ा, स्थिर रहने वाला चौड़ा पान पना उसका विस्तार है ना, वो उसको विस्तार कहते हैं। पहले दिन कही अपन ने चौड़ाई माने गुण और लंबाई माने पर्याय, ये बात, ये शब्द ध्यान रखना। विस्तार गुणों को कहा है और आयत माने लंबाई पर्याय को कहिए, जो क्रम क्रम से होती है पर्याय है, और जो एक साथ रहते हैं गुणों को द्रव्य में सहभागी एक साथ रहने वाले गुण है। तो द्रव्य विस्तार सामान्य समुदाय और आयत सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ गुणात्मक ही है। द्रव्य ये पट पट कहें, पट अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय, गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से कैसा है, पृथक प्राप्त होता है क्या, पृथक गुणों से अलग हो सकता है क्या द्रव्य, कपड़ा धागों से अलग हो सकता है, कपड़ा धागों से पृथक है क्या, अपृथक है, अपृथक है। ऐसे द्रव्य गुणों से अपृथक प्राप्त होने से, माने पृथक अप्राप्त होने से, पृथक प्राप्त नहीं होता द्रव्य गुणों से, इसलिए द्रव्य गुणात्मक ही है। अभी एक की बात कर रहे हैं, एक की है, किधर की भी काल लो, किसी से भी रहित नहीं है, उससे अलग मिल सकता है क्या, द्रव्य गुण और पर्याय को छोड़कर अलग है क्या, गुण और पर्याय से पृथक द्रव्य प्राप्त हो सकता है, तो द्रव्य क्या हुआ, गुणात्मक और पर्यायात्मक, द्रव्य गुणात्मक। उसी प्रकार अब ये तो द्रव्य काय पे लगाया अपन ने, कपड़े पे लगाया था, अब पदार्थ में लगा, पदार्थ में लगाना सरल है। उसी प्रकार पदार्थ में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या आयत सामान्य समुदाय, गुणों से जिसका नाम है द्रव्य है, वह माने पदार्थ में, पदार्थों में क्या है, अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ता हुआ आयत सामान्य समुदाय, जिसका नाम है द्रव्य, पदार्थों में मतलब पदार्थों में द्रव्य जिसका नाम है, किसका नाम है द्रव्य, आयात सामान्य समुदाय विस्तार सामान्य समुदायत्मक रूप जो द्रव्य है, वो द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से पृथक प्राप्त होने से गुणात्मक ही है। द्रव्य कैसे रचित है, गुणों से रचित होने से, गुणों से पृथक प्राप्त नहीं होने से, द्रव्य कैसा है, गुणात्मक ही, गुणों से अलग नहीं मिलता, अग्नि उष्णता से पृथक अप्राप्त होने से उष्णमय ही है, आत्मा ज्ञान से पृथक अप्राप्त होने से ज्ञानमय ही है, उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से अपृथक पृथक अप्राप्त होने से स्पर्श रस गंध वर्ण, जो जिससे पृथक प्राप्त न हो वो उससे उसमय है क्या, हम इस शरीर से पृथक प्राप्त होते क्या, पृथक अपृथक, नहीं नहीं शरीर से पृथक प्राप्त हो सकते कि नहीं हो सकते, तो
अपन शरीर में शरीर आत्मक है नहीं है, पृथक तो है लेकिन अभी पृथक नहीं दिखाई दे रही ना, अरे तब भी पृथक ही है, एक ही शरीर का बदलते रहते हैं, गुण बदल जाते हैं क्या? नहीं बदलता, तो गुणात्मक है लेकिन ऐसे शरीर आदि परद्रव्य रूप नहीं है, शरीर आदि परद्रव्य के संयोग मिटने के बाद भी आत्मा प्राप्त होता है, आपका आत्मा प्राप्त नहीं हो संसारी का लेकिन मुक्त का तो हो ही रहा है ना, तो आत्मा का स्वभाव जब अपन निर्णय करेंगे तो एक भी आत्मा का स्वभाव यदि ऐसा मिला, एक भी आत्मा ऐसा मिला जो कि शरीर से भिन्न भी प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है कि आत्मा शरीर रूप नहीं है। लेकिन क्या ऐसी एक भी अग्नि है जो उष्णता के बिना मिल जाए, क्या एक भी कपड़ा ऐसा है जो धागों के बिना मिल जाए, क्या एक भी नमक ऐसा है जो खट्टे खारेपन के बिना मिल जाए, क्या एक भी आत्मा ऐसा है जो ज्ञान के बिना मिल जाए, जो जिसके बिना नहीं मिलता वो उससे तन्मय है। सोना पीने बल के बिना मिल सकता है? सफेद सोना देखा आपने? सफेद सोना तो सोना नहीं है, उसको सोना समझ कर खरीद लेना, तो सोना वही नहीं हो, सफेद सोना के नाम से तो सोना सफेद होता ही। अरे पॉलिश वॉलिश जो करी है वो अलग चीज है, पर वो सोना सफेद नहीं है, सोना तो पीला ही है, पॉलिश करना कितनी देर लगेगी पॉलिश, फिर क्या हो जाए अंदर, वो पॉलिश तो अलग चीज है ना, सोना का ऐसे सोना का पीलापन कभी छोड़ देता है क्या? सोना ऊपर कितने घिस लो आप, सोने को घिसते जाओ पीलापन तो है उसका, काय के पीछे मरते जनता पीला पीला दिखता है और क्या है उसमें, वो घिसा जाता तो भी पीलापन तो रहता ही उसका, सोने की चमक में तो पागल है लोग, तो क्या वो सोना सफेद हो जाता है क्या? सफेद सोना नहीं होता, सोना तो सोना ही रहता है, सफेद पॉलिश भी हो जाए तो अन्य वस्तु की पॉलिश है, लेकिन सोना अपने मूल स्वभाव पीलेपन को कभी नहीं छोड़ता, चांदी अपने सफेदीपन को नहीं छोड़ती, अब भले काली काली हो जाए बर्तन से साफ साफ करने का मटेरियल डाला फिर साफ चमचमाचम सफेदी को छोड़ देती है। सोना और चांदी मिला दो तो भी सोने का एक परमाणु भी अपने पीलेपन को नहीं छोड़ता और चांदी का एक परमाणु अपने सफेदी को नहीं छोड़ता, सोना और चांदी पृथक पृथक ही रहते हैं, मिलके एक नहीं हो जाते हैं, हो जाते हैं क्या? सोने और चांदी से मिलके कितने आभूषण बनाए जाते हैं, जितनी खोट रहती उतनी रहती है, वो अलग अलग कर लेते हैं लोग, सुनार अलग अलग करने की ताकत रखती है, सोना अलग निकाल लेते हैं चांदी अलग निकाल लेते, क्या करके निकाल लेते हैं? गर्म करके निकाल लेते हैं, सब तरकीबें हैं उनके पास, इसलिए वो सोने सोने जितना मूल्य दे देते हैं कि इसमें इतना सोना है उस हिसाब से मूल्य निकाल देते हैं, और बाकी जो खोट है उसका यदि वो अलग नहीं कर पाए तो दिक्कत ही हो ना, तो सोने में वो मिल जाए खोट कभी अलग नहीं हो तो सोना शुद्ध सोना निकाल नहीं सकते, खोट मिली रहेगी लेकिन ऐसा नहीं खोट अलग नहीं जा सकता, एक गहने के 50 गहने बन जाते हैं, कितने 50 बन जाते हैं कि नहीं, कैसे बन जाते हैं वो सब अपने अपने स्वभाव की वजह से, तो स्वभाव वस्तु उससे तन्मय उसमय है, किसमय है? जिससे वो कभी पृथक प्राप्त नहीं होती, वो उससे अपृथक, जिससे वो पृथक प्राप्त नहीं होती वो वस्तु उससे तन्मय उसमय है, तो द्रव्य गुणों से कभी पृथक प्राप्त नहीं होता इसलिए वो गुणात्मक ही है, द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ गुणात्मक ही है। द्रव्य की परिभाषा दी कि द्रव्य कैसा है, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदाय, द्रव्य कैसा है? विस्तार सामान्य समुदायात्मक आयात सामान्य, पदार्थ विस्तार सामान्य समुदायात्मक और सामान्य आयात सामान्य समुदायात्मक, इस प्रकार का होने से वो द्रव्य है, पदार्थ द्रव्यमय है और द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक है। आगे समझ में यहाँ तक कुछ नहीं, कोई दिक्कत है? जैसे देखो इसको उन्होंने थोड़ा क्या बोलते हैं उसको
मैंने उसको अच्छा अलंकारिक भाषा में वर्णन किया, साहित्यिक भाषा में अच्छे शब्दों के विशेषण लगा के, लेकिन बात तो बहुत सरल है। कभी कभी क्या हो जाता है कि उदाहरण ही कठिन हो जाता है। विद्वान लोग बात सीधी नहीं करते, सीधी करें तो फिर सामान्य दूसरे विद्वान लोग उसको पढ़ेंगे। क्या होता है कि भाव बहुत गंभीर भाव भले होते ना, उसमें क्या कहना है, अनेक बातें कहना है, तो वो थोड़ी भाषा शैली अच्छी उपयोग करते हैं। मोक्षार्थ प्रकाशक में प्रश्न किया है कि ये संस्कृत प्राकृत आदि में ग्रंथ लिखे ही क्यों, इतना अलंकार होता, इतना सरल सीधी भाषा में लिखते, तो बोले विद्वानों का मन सरल सीधी बात में नहीं लगता है, इसलिए वहाँ तो उनके लिए ऐसी भाषा में लिखे तो उनका मन लगे, तो फिर जनता का क्या होगा। तो उन्होंने कहा जनता जो है उनसे समझे उनके। मोक्ष प्रकाशक प्रश्न ये तो फिर भी सरल है, कई जगह तो ऐसी कठिनता से वर्णन करते हैं वो जान कर एक लिस्ट बना के, जैसे कि जान करके नहीं बनाते हैं वास्तव में शैली, उनकी शैली और उनकी वो क्या होता है किसी की लेखनी, बड़े लोगों की लेखनी विकास हाँ उनका उनका इस तरह उनका उत्तर है, जैसे ही होता है उनकी सामान्य भाषा होती है। क्या आप कभी अपने यहाँ तो ठीक है, आप कभी लखनऊ साइड जाना बनारस वगैरह, तो वो भाषा ऐसी बोलते हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे कोई बिल्कुल ये किताब की भाषा में बात कर रहा है। क्या अरे जैसे अपन इवन कहीं अमेरिका अमेरिका चले जाओ, पर यदि आप एकदम शुद्ध हिंदी बोलो ना तो लोग एकदम चक्कर खा के एकदम इसे देखते रहते हैं, खासकर बम्बई मुंबई के लोग। क्या उनको अपनी भाषा बहुत उच्च साहित्यिक भाषा लगती है, जबकि अपन लोगों की भाषा तो फिर भी बहुत अशुद्ध है। लखनऊ लखनऊ की जो भाषा है तो और बहुत शुद्ध परिष्कृत है, और बनारस में संस्कृत वगैरह विद्वान के पास गए जाओ फिर देखो उसकी भाषा से। तो क्या होता है जितना आदमी साहित्यिक होता है उसकी भाषा कम से कम उतनी परिमार्जित होती जाती है। अखबार का लेवल उससे ही नापते, ऐसे चालू भाषा में तो ही लिखते हैं, चालू भाषा में जो अखबार आते हैं फिर लोग चालू ही लोग पढ़ते हैं उसको। लेखों की भाषा लेखनी होती है। और जैसे देखो ये दो पंक्तियां हुई ना, द्रव्य मतलब पदार्थ द्रव्य में है और द्रव्य गुणों से रचित होता हुआ गुणात्मक। आगे अब क्या बात कहेंगे, दो बात क्या, तीसरी बात क्या, क्या बात है तीसरी, इधर कोई दिख नहीं रहा, इधर दोनों खाली है किसकी है। द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है, देखो इसे पढ़ते हैं। और जैसे अनेक पटात्मक, अनेक पटात्मक माने अनेक कपड़े, पटात्मक माने कपड़े, अनेक कपड़ों से निर्मित, अनेक कपड़ों से निर्मित क्या होते हैं, द्विपटिक त्रिपटिक ये समान जाति, ऐसे समान जाति द्रव्य पर्याय। क्या अनेक कपड़े है ना, देखो ये है ना, ये इसमें एक सफेद धागा लगा है और एक नीला लगा है ना, आपके इसमें सबसे सही है। अच्छा सूती और रेशमी भी लगता है, इन लोगों को ज्यादा मालूम है वैसे आपको, क्योंकि क्या है तो वो उसमें अनेक अनेक पट्टिक हो गया ना, वो मैंने कपड़े ही दो तरह के मिल गए, दो तरह के कपड़े आ गए, एक व्हाइट कपड़ा और एक दूसरे कलर का कपड़ा है, अरे जो भी है मतलब द्विपटिक, एक से अधिक वस्त्रों से निर्मित द्विपटिक, या दो से अधिक, एक से अधिक वस्त्रों से निर्मित, दो कपड़ों से निर्मित, तीन कपड़ों से निर्मित, चार कपड़ों से निर्मित, पांच कपड़ों से निर्मित, वो सब क्या कहलाएगी, समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि सब कपड़ों से ही निर्मित है इसलिए समान जाति है,
लेकिन अनेक कपड़ों से है इसलिए वो द्रव्य पर्याय। अरे एक के बाद एक कपड़े चल रहे पर्याय में, कपड़े तो आ गए, एक कपड़ा पूरा बन गया, एक कपड़ा बना उसमें दूसरा कपड़ा मिला के बनाते कि नहीं चीजें, नहीं देखा पूरा एक कपड़ा बनता है पूरा एक, उसमें कितने सारे कपड़े मिलके बनते हैं, एक धागे मिलेंगे ना, धागे नहीं कपड़ा, कपड़ा पूरा दो कपड़े मिलके कपड़ा नहीं बनता आपका। ये जो शर्ट है इधर अलग देते हैं, इधर अलग देते हैं, इधर अलग देते हैं, चार पांच तरह के मिलके कपड़े बनते हैं क्या? हाँ ये तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, दो कपड़े तो वो समान जाति द्रव्य पर्याय, दो कपड़े मिलके ये जो पर्याय हुई दो द्रव्य, भूल गया ना पीछे, दो द्रव्यों की अनेक द्रव्यों में अनेक अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है, अनेक पटात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत समान जाति द्रव्य पर्याय, एक द्रव्य पर्याय, अनेक पटात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत। अब ये एक शरीर के कपड़े ले लो तो समान जाति है, अलग अलग तरह के कपड़े ले लो तो समान जाति है, एक शरीर के दो कपड़े मिला दो समान जाति होगी, दो अलग अलग तरह के आपके जो सूती और रेशमी बता रहे थे ना वो मिला देख लिया आपने सूती रेशमी तो वो असमान जाति होगी। हाँ सबकी जिसके भी जो है कपड़े याद आ जाते एकदम सब, तो अच्छा है कपड़े रोज दिखते हैं, कपड़े रोज दिख के द्रव्यगुण पर्याय याद आ जाता कितना अच्छा है, कपड़ा देख के हर कपड़े पे लगाओ ये समान जाति ये असमान जाति, क्या किसी को भी देखो आपका समान जाति इनका असमान जाति, नहीं कपड़े की दुकान पे क्यों बैठने की जरूरत है, यूं ही देखो ना अच्छा देखो ये पजामा और कुर्ता एक ही कपड़े का है, मतलब एक ही जाति का है, समान जाति, पजामा अलग हो जाए कलर, कुर्ते का कलर अलग है, दोनों कपड़े अलग है, असमान जाति, लेकिन अभी इसमें क्या है वो पर्याय नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एकता की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, मतलब दो ऐसे मिल जाने चाहिए कि वो एक कहलाना चाहिए, जब तक वो एक नहीं कहलाएगा तब तक वो हमारी द्रव्य पर्याय नहीं कहलाएगा, क्योंकि अनेक द्रव्यों में एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत जो है वो द्रव्य पर्याय है, दो कपड़े मिलके एक बन जाए तो वो द्रव्य पर्याय है, अब वो समान जाति के दो कपड़े मिलके एक कपड़ा बन जाए तो समान जाति, और अब समान जाति के दो कपड़े मिलके भी एक कपड़ा बन जाए असमान जाति, देखो लिखा द्विपटिक त्रिपटिक ये सब समान जाति है, दो द्विपटिक माने दो कपड़े, दो धागे नहीं कह रहे दो कपड़े, पट माने धागा नहीं होता, पट माने कपड़ा, पट कपड़े को कहते हैं कि धागे को, कपड़े को कहते हैं पट, तो द्विपटिक दो कपड़ा, त्रिपटिक तीन कपड़े, चतुर्पटिक चार कपड़े, ये सब क्या है समान जाति द्रव्य है, उसी प्रकार अनेक पुद्गलात्मक दो अणु त्रि अणु चतुर अणु पंच अणु छह अणु ऐसी, ये सब क्या है समान जाति द्रव्य है, समान जाति द्रव्य केवल एक ही द्रव्य की होती है, किसकी उद्गल, और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटों के बने हुए, रेशमी और सूती साड़ी होती ना साड़ी, उसमें रेशमी भी होते हैं और सूती भी होते हैं, तो अनेक रेशमी और सूती पटों के बने हुए द्विपटिक त्रिपटिक ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये उसमें लगा दिया, उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक देव मनुष्य और अपन और भी बता सकते और त्रियंच नारक एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री और
सेनी असेनिया और स्थावर त्रस और साधारण प्रत्येक और बादल सूक्ष्म और बहुत सी तो स्त्री पुरुष नपुंसक शरीर हैं नहीं भाव या भाव तो जीव की क्वालिटी है ना शरीर के क्वालिटी से नाम देओ शरीर से नाम देंगे स्त्री का ऐसा नाम है पुरुष नपुंसक बालक युवा वृद्ध है कि नहीं है ये सब शरीर से जो शरीर से निमित्त से वो सब मनुष्य त्रियंच देव नारकी ये सब का नाम क्या है असमान जाति त्रय पर्याय क्योंकि इनमें एक जीव है और बाकी अनंत कौन है उद्गल है दो अलग अलग जाति के द्रव्य होने से ये असमान जाति है और दो द्रव्यों की है इसलिए वो द्रव्य पर्याय है जब दो द्रव्य मिलके कोई वस्तु बनती है तो उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं और यदि वो दो द्रव्य असमान जाति के हो तो उसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय द्रव्य पर्याय में ध्यान रखना कितने द्रव्य चाहिए कम से कम दो तो इनमें एक की होती ना तो ऐसा तो इन कहते अरे किसी को बुलाना होता तो अपन कैसे बुलाते अरे शरीर और आत्मा दोनों आओ इधर ये कहें क्या इतना लंबा चौड़ा अपन बोलते हैं क्या अच्छा होता किसी को मेरे को बुलाना होगा तो क्या कहेगा अरे आपकी मम्मी ने हे शरीर से उत्पन्न हुए आत्मा के शरीर एवं आत्मा हे आत्मन तू अपने शरीर को और अपने आत्मा को दोनों को घसीट के इधर ला इतना इस तरह की भाषा बोल लग जाए तो लोग कहाँ भेज दिया अपने को सीधे उतना इधर आओ ओ भैया इधर आना यही कहते ना ये आदमी इधर आना तो आदमी को इधर देख लो अपन आपन के मान अपनी थोड़ा सिद्धांत लगाने लग गया आदमी लेकिन वहाँ अकेला आदमी तो ही नहीं वहाँ तो दो द्रव्य है तुम किसको बुला रहे हो क्या आदमी तो देह की अवस्था है और आदमी तो अकेला आ ही नहीं सकता है वो तो चैतन्य है तो वहाँ ये सब बातें करो तो वो आदमी कहे भैया बंद कर अपने हमारे को सीधा सीधा वो आदमी को भेज दे खत्म बात समझ में आया ना वहाँ अपन इतनी सब सारी वो नहीं करते लोग में ये समझने के लिए होती बात है कि ये जिसको बुलाया जा रहा है वो एक अकेला जीव द्रव्य नहीं है अनंत उद्गल द्रव्य साथ में है लेकिन उन सबको एक मान के क्या व्यवहार कर रहे हैं हे आदमी इधर आओ हे आदमी हे व्यक्ति इधर आना उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को एक ही मान के कर रहे हैं ना व्यवहार कि ये कर रहे हैं अपन अनंत उद्गल आत्मा इसका देह प्लस एक आत्मा इन सबको मिला के जो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा जाता है उसको इधर भेज दो क्यों नहीं करते ना यदि ये इतनी ये तो बोलने में नहीं ये तो मान्यता के लिए है ये सब बोलने में ऐसे बोलने लग जाए तो हो गया होता लेकिन मानने में जी ऐसा देखने लग जाए हर एक द्रव्य को तो क्या गजब काम हो जाए हर द्रव्य को इस दृष्टि से देखे तो खंबा अनंत उद्गल परमाणु की रचना है समान जाति द्रव्य पर्याय है ये असमान जाति है असमान जाति मैं असमान जाति हूँ एक चैतन्य है अनंत उद्गल परमाणु में शरीर है इन सबसे मिली जुली जो है पर्याय है उसको लोग मनुष्य कहते हैं बालक कहते हैं युवा कहते हैं वृद्ध कहते हैं इसमें आत्मा कितने हैं एक और ये आत्मा कहाँ से आया है वो कहीं चले जाएगा यहाँ आके थोड़ा दिन निवास कर रहा है धर्मशाला में क्या धर्मशालाओं में प्रीति होने लग गई आजकल मान लो आधा दिन नहीं रहना आधा दिन लेकिन में आधा अनंत काल जहाँ रहना है वहाँ की कोई चिंता नहीं है चार छः आठ घंटे दस घंटे जिसको रहना रहता है अपने को तो कितनी चिंता हो जाती है
अभी ये देखो ये जीव जो है ना वास्तव में देह बहुत मगन है सचमुच, क्योंकि इस पर्याय के अंदर इसको एकदम ऐसा लगता है जरा भी थोड़ा वो, अरे भाई साहब किन किन पर्यायों में तुम होके आए हो, क्या कीड़े सब बन के आए कि नहीं आए क्या? यद्यपि अपन अच्छे मतलब वो, लेकिन सवाल ये कि अपना दृष्टिकोण क्या हो गया। हम तो यहाँ जहाँ रहने लग गए जिस मकान में हम तो वो वाह वाह में ऐसे मकान कितने दिन रहेंगे हम यहाँ, अनंत काल रहना है क्या यहाँ? ऐसे शाश्वत स्थान को खोजो जहाँ तुम्हें अनंत काल तक कोई नहीं हिला सके, और वो स्थान है मुक्ति, उस मुक्ति से कोई नहीं हिला सकता है। इन जगह में क्या, इन जगह के कोई ठिकाना क्या? कितने दिन रहने वाले बात, अभी देखो कितनी साल तो उम्र निकल गई है, 20-25 साल की है बस ये जिंदगी, 25 साल ऐसे दौड़ते हैं फुर्र, तो फुर्र जो जा रहा है उसके लिए बहुत चिंता है। वहां कितना है, तुम सिद्ध अवस्था का पुरुषार्थ करो, कोई हटाएगा ही नहीं अनंत काल तक। लेकिन नहीं ना, देह की मगनता ही मुक्ति की कहां है, मुक्ति मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं अभी सच्ची। मुक्ति की अभिलाषा सच्ची हो तो मुक्ति का उपाय की बिना नहीं रहेगी। तो ये सब असमान जाति द्रव पर्याय है, और बना लेना जितनी बना सकते हो। भाई बंधु ये सब क्या है, क्यों भाई समान जाति है असमान जाति है, द्रव पर्याय है कि नहीं है? भाई भाई बिना शरीर के भाई हो सकता है क्या? भाई का संबंध कैसे है शरीर से? असमान जाति द्रव पर्याय, हमारे शरीर से उसके शरीर का संबंध है, हम एक माता के उदर से हुए, तो माता क्या एक शरीर, और शरीर में रहने वाली आत्मा और उसके शरीर से जो शरीर हुआ और एक और शरीर हुआ, उन दो शरीर में रहने वाली दो अलग अलग आत्माएं, और वो अपने आप को जो है भाई 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 का संबंध हो गया, और बस दो मतलब दो आत्मा थी अलग अलग कहीं से आई हुई, और वो चूंकि एक जन्म देने वाली एक ही माँ है, तो वो दोनों के मतलब हम तो भाई भाई, एक बहन हो गई एक भाई हो गया, बस फिर चालू हो काम। अब क्या है इसमें संबंध, देह से संबंध है, और जो भी संबंध है वहां को एक देह मिल गई, एक देह वहां को मिल गई, उन दोनों ने कहा अपन दोनों को देह कहां से आई, तीसरी जिस देह से आई तो अपन दोनों की कॉमन उत्पन्न करने वाली देह कॉमन है, तो इसलिए अपन दोनों का रिलेशन। उसमें रिलेशन में कोई दम तो ही नहीं उसमें, उसका रिलेशन का आधार क्या है कि दोनों जो शरीर बने हैं तो वो दोनों शरीर एक शरीर से निष्पन्न हुए हैं, तो दोनों शरीरों का ये उस एक शरीर से संबंध है, अब तीन आत्माओं का क्या संबंध है? ये दो आत्माएं भी अलग है, वो आत्मा भी अलग है, तीनों आत्मा अलग अलग है, और तीनों कैसे जुड़ गए शरीर में एकत्र करने से? हम परिवार वाले हैं, हमारा परिवार तो सबसे अलग है, क्या अलग है तुम्हारी आत्मा सबकी अलग अलग है, परिवार क्या अलग है, तीनों आत्मा अलग अलग। और ये तो अभी जैसे होता है ना, आपने कभी ताश वगैरह खेली होगी, नहीं भी खेली हो तो देखा तो होगा ना, तो क्या होता है कभी वो चार पत्ते चार अलग अलग बढ़ जाते हैं, फिर पीस देते हैं, फिर वो चार पत्ते इधर आ जाते हैं, फिर वो इधर आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, फिर पीस देते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं, क्या ऐसे ही सही होंगे? और क्या ये चार से जने अभी एक इस घर में घुस गए सब, थोड़ी देर में फिर पलटा पलटी हुई, फिर ये एक उधर चला गया, एक एक भी अपना नहीं है, हर पर्याय पर्याय में सब बदल जाते हैं, पूरे पत्ते ही बदल जाते हैं, पूरे जो अभी तक अपने पास पत्ता था पहले चिड़ी का एक था, सामने के पास चला गया, फिर वापिस अपने पास आइए
फिर इसके पास आ गया, फिर उसके पास पहुंच गया, कोई दूसरा आ गया अपने पास, फिर इधर के दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, पत्ते बदलते रहते। संसार और क्या है, संसार ताश की पत्ती का गेम है। बस इसमें लोग समझ नहीं पाते, जो जो समझ लेता है निकल जाते हैं, बस बाहर हो जाते हैं उस गेम से। बाकी जो नहीं समझ पाते हैं वो तो उसी में मुक्त हो जाते हैं, उनको लगता हो हमारे पत्ते बेस्ट। कहे कि बेस्ट, अभी दूसरी पारी आएगी तो दूसरे वर्स्ट आ जाएंगे, दूसरा आ जाएंगे, उसके पत्ते आने ही दूसरे, अपने दूसरे वर्ष चले जाएंगे। एक कोई भी पत्ते बलवान करते हैं गेम में, तो असमान जाति द्रव पर्याय सब, जितना सारा संसार क्या दिख रहा है अपने, जो कुछ भी दिख रहा है समान जाति द्रव पर्याय या समान जाति, दोनों तरह के दिख रहे हैं। या तो समान जाति दिखता है, ये क्या है खंबा, समान जाति, ये टेबल चौकी समान जाति, घड़ी घड़ी समान जाति, जहाँ जीव दिखे बस, अपने को जो भी जीव दिख रहे हैं सब क्या है असमान जाति, क्योंकि अपने को सिद्ध भगवान तो दिखते ही नहीं, सब असमान जाति। तो ये आ गई द्रव्य पर्याय क्लियर हो गई, अब गुण पर्याय समझो देखो। और जैसे कभी पट में, पट माने कपड़े में, अपने स्थूल अगुण लघु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से प्रणवित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात् अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। समझ में क्या है, कभी कपड़े में अपने स्थूल अगुण लघु गुण, कपड़े में एक गुण है ना स्थूल मोटा अगुण लघु गुण द्वारा, उससे क्या होता है काल क्रम से प्रवर्तमान, मैंने काल अपने काल प्रवाह से जो प्रवर्तमान मैंने प्रवृत्ति करती हुई अनेक प्रकार रूप से प्रणवित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति, मैंने अनेक रूप से प्रणवन हुआ ना काल क्रम से, अनेक प्रकार का कपड़े में अनेक प्रकार की पर्याय हुई, कपड़े में अनेक पर्याय होती ही नहीं होती, कपड़ा आप ऐसा का ऐसा भी रखे रखो, जैसे एक कपड़ा ऐसे कैसे रखे रहे पुराना पड़ेगा कि नहीं, 10 साल बाद उठाओ चीर चीर हो जाएगा, चिरम चीर क्या कपड़े चिरम चीर हो जाए, तो क्या हुआ उसमें, पहले दिन चिरम चीर हो रहा था और दसवें दिन 10 साल बाद चिरम चीर हो रहा है, पर्याय बदली कि नहीं बदली, तो एकदम से बदली कि क्रम क्रम से बदल रही है, हर क्षण अलग अलग थी कि नहीं, पहले साल अलग थी, दूसरे साल अलग थी, तीसरे साल अलग, कपड़े में सफेदी बदल जाती, ये कपड़ा अपन जब लाते हैं पहले दिन बड़ा मजा आता है नया, दूसरे दिन से पूरा इनको नएपन का सुख होता है, तो नएपन का सुख तो एक ही दिन मिलने वाला, बाकी तो पूरा पुराने में भी अंतर रहता है, हर दिन अलग अलग तरह का पुराना पड़ा, फिर जब वो बहुत पुराना हो जाता है पीला पड़ जाता है तब हम उसको फेंक देते हैं, तो उसमें प्रति समय अवस्थाएं हुई ना, तो वो अनेक प्रकार की पर्याय ही ना, तो वो जो अनेकत्व की अनेक प्रकार की एक ही कपड़े की पर्याय है, वो क्या है उसकी गुण स्वभाव पर्याय, क्या है वो उसकी स्वभाव पर्याय गुण पर्याय। और उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान प्रतिधानी वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति व गुणात्मक स्वभाव पर्याय। फिर बोलता हूं, समस्त द्रव्यों में अपने अपने अगुण लघु गुण द्वारा, कौन से सूक्ष्म, अपने अपने सूक्ष्म अगुण लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली, हर समय प्रकट हो रही, हर समय अलग अलग, हर समय द्रव्य की अवस्थाएं हो रही, नहीं नहीं, कैसी षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप, कभी बढ़ जाती घट जाती घट जाती, गुणों में वृद्धि आनी होती ही नहीं कि एक सरी की रहती, अरे गुणों की अवस्था एक सी रहती कि बदलती जाती है, बदलती हर समय बदलती, कम ज्यादा हानि वृद्धि रूप होता है उसमें, ज्ञान में तारतम्यता आती रहती है, वो जो तारतम्यता रूप अनेक पने की अनुभूति
एक पने की अनुभूति नहीं होती उससे, अनेक पने की। द्रव्य में ये पर्यायों के द्वारा तो अनेकता आती है, नहीं तो बोर हो जाए, तो ऐसा एकदम बोर नहीं है। कई लोगों को सिद्ध अवस्था बहुत बोर लगती है, मैं कहता हूँ एकदम एकत्र रूप नहीं है, कथनचित उसमें भी अनेक पने की अनुभूति है, लेकिन इतना ही है कि वो अपनी एक सीमा में ही है, मर्यादा में। माने अनेकत्व माने पर्याय अलग अलग है, लेकिन वो समुद्र जैसे अपने ही प्रवाह में है, अपने प्रवाह को छोड़कर बाहर नहीं चले जाता, कम भी नहीं होता। ऐसे वो सिद्ध भगवान अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर में ही रहते हैं, लेकिन तो भी उसमें अनेक मतलब नई 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 अवस्थाएं, तो नवीन नवीन नई नई है ना, पर्याय अलग स्वभाव पर्याय है सबकी सब, क्योंकि कोई परद्रव्य नहीं है, लेकिन वे सब पर्याय अनेक पने की अनुभूति कराती है कि ये एक ही रूप नहीं है, मतलब एक ही नहीं है पर्याय, कितनी पर्याय अनेक है, अलग अलग एक नहीं है। एक सी भी हो तो भी पर्याय तो अनेक हुई ना, कथनचित एक भी हो एक सी हो, लेकिन पर्याय तो अनेक है, तो द्रव्य में अनेकता की अनुभूति करा देगी। यहाँ द्रव्य अनेक रूप हुआ, माने अनेक रूप मतलब हर पर्याय पर्याय में उसका अनुभव न्यारा न्यारा है। अभी अपन ने जो अपना अनुभव किया, फिर अगले समय में अनुभव किया, अगले समय में किया, खाने का मजा अपन ने आधे घंटे तक लिया, तो हर समय अलग अलग स्वाद आया कि नहीं आया। ऐसे ही द्रव्य की हर समय नवीन नवीन जो पर्याय प्रकट हुई, वो उसकी अनेकत्व की अनुभूति रूप स्वभाव पर्याय, अनेकत्व चाहिए अपने को, पर्याय में अनेकत्व चाहिए, चाहे द्रव्य पर्याय हो चाहे वो गुण पर्याय हो। गुण पर्याय में दो अनेक अनेक अनेकत्व चाहिए, माने दो दो अनेक द्रव्य चाहिए, और गुण पर्याय में अनेक पर्याय चाहिए, एक ही गुण की अनेक प्रकार की पर्याय चाहिए, वो भले एक सी हो चाहे अनेक सी हो। स्वभाव पर्याय में एक सी आएगी लगभग, और विभाव पर्याय में तो बहुत तारतम्यता आएगी। और जैसे पट में रूपाधिक के सुपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति, वह गुणात्मक विभाव पर्याय है। क्या कपड़े में क्या होता है ना, लाल रंग रंग दिया नया हो गया, तो कपड़े को भी नया होना चाहिए। अरे कपड़े में बहुत कुछ काम होते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल लगाते हैं, वो करते हैं, करते हैं, रंग रेज बनाते हैं ना। अपन जो कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे जितने भी लोगों के लाल पीले कपड़े हैं, तो ओरिजिनल लाल धागा होता है, कभी धागा केवल सफ़ेद ही होता है। ये जितने भी लाल नीले पीले कलर है, ये सब डाई केमिकल डाला हुआ है उसमें, हैं कि होता है कोई लाल कपड़ा भी लाल धागा होता है क्या? धागे जितने भी लाल नीले पीले आते हैं, ये ओरिजिनल उनका लाल नीला पीला पन नहीं है, वो लाल नीला पीलापन तो काय से किया हुआ है, डाई करते, मेरे को नहीं मालूम ज़्यादा उसका डाई करते क्या करते, क्लियर मेरे को तो इतने ज्ञान है, वो केमिकल डालते हैं उसमें, और केमिकल से वो धागों को लाल पीला नीला काला करते हैं, और फिर वो उन लाल नीले पीले कालों से कपड़े बनते हैं। और ओरिजिनल तो जो रुई होती है वो वाइट ही होती है, एकदम सफ़ेद। क्या पहले इसलिए अपने यहाँ ही चलता था, लोग धोती दुपट्टे पहनते थे, धोती लगा ली नीचे और दुपट्टा क्या रहती थी ऊपर, जो भी कुर्ता वगैरह पहनते थे सफेद। अभी तो सब पता ही नहीं चलता आजकल तो क्या है, किसका क्या है, सब लाल पीले नीले काले लाल सफेद बहुत सारे तरह के कपड़े आ गए मतलब बाजार में, तो वो सब वो और उनमें तारतम्यता दिखती है, कभी रंग ज्यादा हो गया, काला ज्यादा हो गया, कम हो गया। मैंने एक ही कपड़े की जो अपनी स्वभाव रूप अवस्था है वो तो स्वभाव पर्याय है, और जो रूपाधिक के अंदर दूसरे और अपने कारण जो प्रवर्तमान नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं वो सब विभाव पर्याय है। देखो क्या लिखा है, और जैसे पट में रूपाधिक के सफर के कारण प्रवर्तमान पूर्व पहले और उत्तर माने बाद की, पहले और बाद की अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण, तारतम्य माने अंतर,
जो अंतर दिखता है, तारतम्यता है, मैंने अंतर दिखता है कि ये अब कुछ बदल गया है, ये कपड़ा लाल हो गया है, नीला हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, किसी के इसको ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप, अब ये स्वभाव समान रूप नहीं है, स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व और उसकी आपत्ति मैंने वो आपड़ना, मैंने अनेक स्वभाव का आपड़ना, उसमें अनेक चीज़ें दिख जाती है, बहुत वेराइटी। विभाव में क्या आपको बहुत वेराइटी दिख रही है, स्वभाव में नहीं दिखती। कपड़ा स्वभाव में रहेगा तो सफ़ेद ही रहेगा, विभाव तो है ही, विभाव के अंतर स्वभाव के अंतर विशेष ही है कि उसकी पर्याय हैं वो विशेष है और विभाव के विशेष भी पर्याय ही है, लेकिन उनमें स्पष्ट रूप से तारतम्यता दिखाई देती है। हाँ, सफर के कारण प्रवर्तमान में तारतम्यता है, वो तारतम्यताओं से अनेक बना उसमें स्पष्ट दिखता है कि अलग अलग, स्वभाव में एक सा दिखता है, विभाव में सब अलग अलग दिखता है। स्वाभाविक पर्याय विभाव पर्याय इसमें नहीं है, देखो उसी प्रकार ये हो गया ना, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में, सारे द्रव्यों में रूपाधिक के या ज्ञानाधिक के स्वपर के कारण प्रवर्तमान, स्वपर के कारण प्रवर्तमान, जैसे अपने मति ज्ञान है तो अपनी कितनी तरह की अवस्थाएं दिख रही है, अपने ज्ञान में कितनी तारतम्यता, अपने इतनी वैरायटी जितनी दिखेगी ना ज्ञान में उतनी सिद्ध भगवान में नहीं, सिद्ध भगवान में एक सी है, और अपने कितनी अंतर, अभी क्या जान रहे हैं, अभी क्या जान रहे हैं। अरे आदमी संसारी में इतना विचित्रपना होता है, संसार गजब जगह, मतलब क्षण भर में वो निगोदिया अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान जगन्य ज्ञान, और वो जो पुरुषार्थ करे वहाँ से चालू करके तो अंतर्मूर्त बाद मनुष्य, और पुरुषार्थ करे तो उसी भाव में मोक्ष, कांक्या कांक्या कांक्या। मति ज्ञान में कितनी तारतम्यता रहती, एकदम गधा आदमी कब क्या विद्वान हो जाता है, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, और अच्छे अच्छे विद्वान पागल हो जाते हैं मेहनत से, कम बुद्धि वाले भी बुद्धिमान होते दिखाई देते हैं, प्रमाद करने से बुद्धिमान भी कम बुद्धिमान हो जाते हैं। तो ये बहुत तरह की तारतम्यता दिखती, कभी अपना ज्ञान किसमें लगता है, कभी उसमें बुद्धि बहुत लगती, और बुद्धि भी सबके अलग अलग जगह दौड़ती, क्या सबकी योग्यताएं अलग अलग तरह की होती। नित्य से भी आ सकता है, इतना से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, निगोद से मनुष्य के मोक्ष जा सकता है, बादल निगोद से, नित्य निगोद से डायरेक्ट सीधे नित्य निगोद से मनुष्य बने मोक्ष था। एक बीच में 923 पुत्र थे ऐसे, तो बीच में एक पर्याय प्राप्त की उन्होंने, पर वो एक पर्याय भी क्या है, कोई गिनती तो ही नहीं, सीधे एक तरह से देखा जाए एक को गुण कर दो, 923 पुत्र निगोद से निकल के एक पर्याय बीच में धारण करके मनुष्यों के मोक्ष चले गए, वही हम बैठे हैं, सब निकल गए अच्छे अच्छे, क्या सब तिर गए, जटाई पक्षी जैसे तिर गए, हाथी तिर गए, घोड़े तिर गए, बैल तिर गए, शेर तिर गए, भील तिर गए, चांडाल तिर गए, क्या धीवर तिर गए, सब तिर गए, समझदार कहलाने वाला आदमी ही बैठा है। जंगल की ग्वाले तिर गए, गायें चराने वाले, अरे उनकी किताब पढ़ रहे अपन, परिणामों की शुद्धता की बात है, देखो कहाँ की कहाँ चले जाता जी, परिणामों की शुद्धि नहीं होती है
कुछ नहीं होता। तो ये सब एक नहीं, मत्ति ज्ञान में कितनी तारतम्यता है, काम बालक, काम ग्वाला, काम काम इतने बड़े आचार्य, क्यों कितनी अवस्था है। तो ये सब स्वभाव विशेष अनेकत्व, ये देखो युवन उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में रूपाधिक के या ज्ञानाधिक के स्वपर के कारण प्रवर्तमान, स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्व पहले और उत्तर माने बात की पहले और बात की अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण अंतर के कारण देखने में आने वाले दिखाई देता है जो ऐसा स्वभाव विशेष रूप अनेक पने की आपत्ति माने अनेक पना जो आपड़ा, अनेक प्रकार की आपत्ति माने अनेक प्रकार का आपड़ना गिरना, अनेक प्रकार का दिखाई देना, वो सब क्या है गुणात्मक विभाव पर्याय। कौन सी पर्याय है? गुणात्मक विभाव पर्याय। तो दो प्रकार की गुण पर्याय हुई, एक स्वभाव एक विभाव। वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली उत्तम पूर्ण योग्य है। ये जो भगवान जितेंद्र जो व्यवस्था बताई है वस्तु व्यवस्था, ये तुम विचार करोगे तो यही उत्तम दिखेगी, यही वस्तु व्यवस्था ऐसी है, इसके अलावा मतलब ये व्यवस्था ही ऐसी है, ये भली मतलब भली बनाई नहीं हमने, ऐसी ही व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, दूसरी कोई नहीं, दूसरी और कोई तुम अन्य तरह से वस्तु स्वरूप वर्णन करोगे तो वस्तु स्वरूप का वर्णन होगा ही नहीं, दूसरी कोई नहीं। अब देखो आखिरी में पज्जय मूढ़ो ही पर समय, उसके लिए एक ही लाइन दी यहाँ पे, ज्यादा नहीं दी, क्योंकि अगली कथा में उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए पर समय होते हैं। तत्व की अप्रतिपत्ति लक्षण जिसका, तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोह, पीछे अपन पढ़ के आए एक जगह परिभाषा, तत्व की प्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, है? दवादी ऐसे मूढ़ो भावो जीव सहदमो होती कुपदित एणु छन्नो कुप्पा रागम दोष ममा थी, है 91 में नहीं है ये, तो एक्चुअल में 84 में है, 83 में देखो है क्या 83 में टीका होनी चाहिए, देखो है कि दूसरी पंक्ति में 83 तत्व प्रतिपत्ति लक्षण मूल भाव मिल गया, इसलिए मैंने परीक्षा दिलवाई थी तत्व प्रतिपत्ति लक्षण मूल भाव। तो वो तो ये लक्षण है किसका, मोह का, तत्व की प्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए क्या होते हैं वे पर समय होते हैं, पर समय कहलाते हैं, कौन है नहीं लिखा देखो, मोह में पढ़ा था ना, मोह को तो प्राप्त होता है, मोह को कब प्राप्त होता है, जब पर्याय मात्र का ही अवलंबन करते हैं, पर्याय का अवलंबन करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, पर्याय मात्र का अपने को जो पर्याय मात्र मानता है, मैं कितना जितनी ये मनुष्य पर्याय है, मेरा अस्तित्व कितना मरने जब तक मैं जिंदा हूं तब तक का, क्या अपनी प्लानिंग कब तक की है इस पर्याय मात्र की, अगली है क्या अगली की, किसकी अगली की, क्यों सारी प्लानिंग काय की चल रही है, जितने सुबह शाम तक दौड़ रहे भाग रहे काय के लिए, इस पर्याय के लिए कि अगली पर्याय की, इस पर्याय के लिए।
अगली पर्याय के लिए कितनी देर लगाते हैं, अगली पर्याय के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, एक घंटा यहाँ सचमुच पर्याय मात्र का ही अवलंबन करते हैं। पर्याय मात्र का होना बस, ये जो शरीर है चलता रहे, ये अवस्था पर जिंदे, मतलब अपन ने सारी प्लानिंग जितनी भी प्लानिंग है वो सब इसी देह संबंधी कर रखी, सोच ही जाती जब तो सोच दिला रहे कि जो केवल पर्याय मात्र का ही अवलंबन लेता है वो मोह को प्राप्त होता हुआ पर समय कहलाता है। भाई ये क्या है, सोच नहीं जाती है जब तो चिन्हवाणी सोच दिलाती कि सोचो जरा, यही पर्याय जितने तुम थोड़ी नहीं हो, इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है, इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया जो भी है, पर वैसे भी अब क्या होना है यहाँ पे, इस पे तो इसके व्यवस्था के लिए तो तुमने सब कर ही लिया, इस जिंदगी में जो करना था वो सब कर लिया, अपने अपने बताओ इस पर्याय के लिए सब कर लिया, अब अपने को पर भाव की सोचनी चाहिए, इस पर्याय की तो भी जो भी होना था, अब यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना अपना, वरने यदि आज से पर भाव के लिए सोचना विचारना प्रारंभ किया तो ये तो सुधर ही गया समझ लो, ये क्यों बिगड़ेगा, क्या पर भाव सोचने वालों का ये भाव बिगड़ देगा, बल्कि और सुधरता है, केवल सोचने के लिए कहा जा रहा है बस, तुम अपने आप को केवल इस पर्याय मात्र न मानकर अनादि अनंत द्रव्य मानो क्या, और यदि तुम इस पर्याय मात्र ही अपने को अनुभव करते हो तो तुम क्या कहलाते हो, मिथ्या दृष्टि पर समय ही, पर समय मिथ्या दृष्टि, दो बातें कही, ये जो द्रव्यगुण पर्याय की हमने तुमको व्यवस्था बताई है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, ये उत्तम व्यवस्था है, सर्वोत्तम भली, क्या भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है, माने ये वस्तु स्वरूप के विवेचन में कहीं कोई कमी नहीं है, क्या माने इस व्यवस्था के अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, मतलब ये सारी आपको वस्तु व्यवस्था का पूरा दिग्दर्शन करा दिया, पूर्ण है, उत्तम है, योग्य है, भली है, और अन्य कोई जो भी जो अन्य मतावलंबियों ने जो भी अपनी कल्पनाएं कर रखी वो सब योग्य नहीं, अयोग्य है, वो सब उठपटांग कल्पनाएं कर रखी जो भी, और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो कोई जीव अपने को वस्तु तो द्रव्यगुण पर्यायात्मक है, लेकिन जो केवल अपने को पर्याय मात्र ही अनुभवता है वो पर समय होता है, मिथ्या दृष्टि का वस्तु तीनों है, उसमें अपन द्रव्य भी है, अपने गुण भी है, और द्रव्यगुणों की पर्याय भी है, लेकिन अपनी भूल क्या हो रही है कि अपन केवल अपने को पर्याय जितने इस पर्याय जितने ही अनुभवते हैं, माने हम अपनी अवस्थी हम अपनी स्थिति केवल मनुष्य पर्याय जितनी मानते हैं, ये हमारी भूल है, हम अपने को पूरा अखंड द्रव्य गुण गुणात्मक नहीं देखते कि मैं एक चैतन्य द्रव्य हूँ, अनादि अनंत इसकी स्थिति है, इसमें अनंत गुण है, इसका कभी नाश होने वाला है नहीं, और ये पर्याय तो दो द्रव्यों की मिलकर अभी बनी है, संयोग हुआ है पुद्गल का, फिर ये पुद्गल पर्याय चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, इन पुद्गलों का संयोग छूट के दूसरे पुद्गलों का संयोग हो जाएगा, इससे मैं जिंदा नहीं हूं, इनका मेरा संयोग हुआ है, हम क्या करते हैं शरीर से अपने को जिंदा मानते हैं, जबकि शरीर आत्मा का संयोग हुआ है, शरीर आत्मा को जिंदा नहीं रखता है, शरीर तो बल्कि शरीर में रोके रखने का काम करता है, आत्मा तो अपने आप से जिंदा है, क्यों आत्मा किससे जिंदा है, अपने खुद के उसमें खुद में जीवत्व शक्ति है जिससे वो जीता है, देह से नहीं जीता है, देह के संयोग से तो रह रहा है इस पर्याय में, बाकी जीता वो अपने स्वयं